इससे इससे पहले वाला इजी पैच था, ये दोनों ही वाले। ये जो आ रहे हैं लोग, ये पैच यहाँ से ऐसे घूम के आएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड पैच है। हाँ अरे बॉटल में नहीं भाई, वो बड़ी 5 लीटर वाला बॉटल अपने पास। बहुत ज्यादा थक गए लोग अभी। ये मैं आऊँ क्या नीचे? सुजो मैं आऊँ? देख इस तरफ एक, पर आना चाहिए उसी तब से। ये मैं आऊँ क्या सुजो बैग लेने? अरे अंदर का नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, फेंक दे तू। अरे ए सुजे उधर से आ, उधर से मत जा, वो साइड से घूम क्या। मैं रुक रहा, जाके अंदर उसको आराम से। तो ये अभी हाँ तुम लोग किस तरफ से आ रहे हो? अरे इजी है वो, बस उधर थोड़ा सा आड़े ज्यादा नहीं, वो उधर से घूम क्या। अभी सोनू गए लोगों को लेने के लिए। हाँ पीछे रहे तो उसको आगे जान दे। ऐसे कुछ हालात होते हुए हमारे पार्टनर्स के साथ, और इन्हें देखो भाई सबसे पहले ऊपर चढ़ के बैठ गए। दिख नहीं रहे रे भरत, अभी दिखा। कर लिया भाई, लेकिन बात ये है समझा, उसने कर लिया भाई। पिछली बार कैसा रुक रहा था, इस बार रुका नहीं, लेकिन ना मानना पड़ेगा। जब आप आओगे ना हरिश्चंद्रगढ़ तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में आपको बहुत इजी इजी पैचेस है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। बट यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर केव्स भी। बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, ये वाला रास्ता रहेगा तो छोटी मोटी केव है रेस्ट करने के लिए, तो आप आराम से एकदम रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट करो आराम से। और क्या हवा आ रही है ऊपर, हाँ तो हवा बहुत मस्त आ रही है ना भाई। तो वो पैच कैसा लगा ये वाला लास्ट वाला? यार एक नंबर डिफिकल्ट है, अगर जो फर्स्ट टाइम अगर ट्रैक कर रहा है तो मत करो, मैं एडवाइस देता हूँ। कुल ट्रैकर लोग के साथ ही आओ क्योंकि बहुत हार्ड है। स्टार्टिंग बहुत ईजी लगा है बट बाद में कुछ है नहीं सपोर्ट के लिए, तो आप अपने रिस्क पे मतलब ये करके आओ। बराबर, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही हार्ड है, बट अगर आपने पहले से एक दो ट्रैक अगर ऐसे कुछ कर चुके हैं तो आपके लिए लिटिल बिट इजी होगा, ज़्यादा नहीं है ना वैसे, वरना बाकी तो ठीक ही है। लेकिन ये है कि मतलब सुधागढ़ से तो अब तक सुधागढ़ में 2-3 बार चढ़ जाते हैं। सुधागढ़ वाला मतलब थोड़ा अपने को काफ़ी इजी पड़ गया था वो, पर इसके व्यूज़ बहुत तगड़े तगड़े, मतलब अगर अगर देखे जाए तो कि व्यूज़ उससे औसम है। वही ना, हाँ हाँ पर भाई पर ये पे अगर ये वाला ट्रैक कर लिए ना, ये वाला फोटो चंद्रगढ़ तगड़ा, ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिल जाएगा है ना, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिलेगा। अरे सुजे भाई व्यू क्या औसम है यार, देख कोई किधर से चढ़ के आ रहे थे, सोचना बना दिया भाई। तो सुजे भाई आपको मतलब कैसा लगा सुधागढ़ में, तो फटके हाथ में आ गई थी, इस बार कैसा लगा? हार्ड नहीं था, लास्ट टाइम थोड़ा मैं गिव अप कर दिया था, पर इस बार नहीं किया। मेरे सपोर्टर्स अतुल भाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं दिखाता हूँ जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो ज़रा अतुल अगर आप कैमरा में देखिए, कुछ दो शब्द कहेंगे इनके लिए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें हेल्प करना चाहिए एक दूसरे की। अच्छा। भाई हमें हम लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, अगर कोई डिफिकल्टी होता है भरत बीरत सब हम लोग ऐसे ही है। अगर बहुत ज़्यादा भाई ये गलत बात है, ये नहीं पूछा था भाई, लेकिन क्या ग्रीनरी है यार ये वाले गढ़ पे भाई, इतना भी थका भी नहीं और ना मरा।
अबे हवा मस्त चल रही है रे भाई इसलिए। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं तो अभी हमारे पीछे मेरे पीछे देख लो शेड है तो अभी शेड के अंदर सब लोग बैठे हैं, थोड़ा पानी वानी पी रहे हैं हम लोग। ये आग जलाने के लिए लकड़ी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, मिला क्या कोकन काटा के लिए? ये अंदर साइड वाला तो अभी आप आओगे। ओ ये अभी तो हम लोग सबसे ऊपर आ गए हैं तो अभी पीछे शेड है, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये जो लकड़ियाँ रखी हैं ये भी लेके जाएंगे, पर रात को बॉन फायर करेंगे तो खाना वीना में हम यहीं पर बनाने वाले हैं। और जगह बहुत ही मस्त है, मस्त मस्त फूल भी है, बट इनके अंदर जाने नहीं, क्या पता अभी खुजली वाला पेड़ निकले तो खुजली और हो जाएगी। और हवा तो बहुत मस्त आ गया, बहुत मतलब बहुत। बैक कैमरे से आपको ऊपर का, अभी आपको ऊपर का एक व्यू देखो। बिन पकड़ में बक्सो दिखा था ना, छुपे भाई कितना छुपा लोगे भाई खुद को? हाँ मालूम तो पड़ेगा कि भाई सोनू है सफेद कपड़े के पीछे। वो अभी हम लोग जा रहे हैं कोकन काट की तरफ, शेड से लेफ्ट में जाएंगे। क्या हो गया? रफक 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 ले रफा में आए चूतिया टोपी के लिए चिलम चली कर रहे हो। तो यहाँ से अभी लेफ्ट मार के जो रास्ता जा रहा है अभी इससे जाएंगे, क्योंकि कोकन खाड़ में सनराइज और सनसेट देखने का जो मज़ा है ना बहुत ही अलग है। उसका भी मैं आपको टाइम लैप्स दिखाऊंगा, वो आप देखना, बहुत ऑसम व्यू होता है। तो अभी सीधा कोकन खाड़ पे जाके मिलते हैं। गाइज अभी एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर हम लोग रास्ता भटक गए थे, हम लोग दूसरी तरफ चले गए थे, जबकि हम लोगों को ऐसा नीचे होके यहाँ से आना पड़ गया। तो आप अगर वहाँ पर हो, वहाँ पर जो मैंने जब अपने वीडियो में लास्ट शेड बताई वहाँ सबको नीचे की तरफ होते हुए ना ब्लू कलर के एरोज है, तो आप सीधा यहाँ पर आ जाओगे यहाँ पर, और यहाँ से इस तरफ सामने जाएंगे तो मंदिर में अभी आपको दिखा, तो मंदिर भी दिखाऊंगा, उसके हम दर्शन भी करने वाले वो भी दिखाएंगे। तो आप लोग भी ऐसे कन्फ्यूज़ मत हो जाना, मैंने मेरे वीडियो में जो लास्ट शेड बताया था उस आपको नीचे की तरफ आना है, तो ब्लू एंड वाइट कलर के एरोज है, आपको लेफ्ट में स्ट्रेट नहीं जाना है। तो अभी हम लोग भी आ गए मंदिर के यहाँ पर ही, अभी आगे जाते हैं फिर आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो आप लोग जब यहाँ पर आ जाओगे तो आपको ये जो ब्लू कलर के दिख रहे छोटे छोटे जो शेड्स है ये एक्चुअल में ये होटल है। तो आपको यहाँ पर आने का, आप होटल से खाना भी ऑर्डर करके खा सकते हो, तो ये बहुत इजी पड़ेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा मंदिर, तो आपको हम जाके मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो वहाँ से जो मैंने आपको बताया था वहाँ से स्ट्रेट आते आते यहाँ पर नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है, यहाँ जाना है, तो वो जो आपको दिख रहा है उसके अंदर शिवलिंग है जो कि एक पैर पे खड़ी है अभी तक, और उसके नीचे मतलब आजू बाजू पूरा पानी है। और यहाँ पर भी मंदिर है तो हम इसके भी दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे शिवलिंग वो दर्शन करने के लिए, तब सीधा जब दर्शन करेंगे तब नीचे मिलते हैं जाके।
के मारो भाई। शिवलिंग वाला मैंने मंदिर दिखाया था उससे वापस ऊपर आके राइट साइड में नीचे से ऊपर आ जाइए, बस इतना ही है, बहुत सिंपल। वहाँ पर एरोज भी दिए गए हैं, तो आपको कुछ ऐसा नहीं कि आप कहीं घूम जाओगे या यहाँ वहाँ चले जाओगे तो कुछ होगा नहीं। बैक कैमरा ऑन करके दिखा दो कितना मस्त व्यू है। यहाँ का अगर पानी आप लोग लोगे तो एक बार उबाल के पीना। और ये शाम को 6 बजे का व्यू है। एंड फाइनली हमारी मैगी भी बन गई है और अभी जस्ट हम लोग मैगी खाएंगे। अच्छा बना है क्या? अरे भाई मैगी अच्छा बना है क्या पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मरद आपके हाथ का मैगी खा के लोग को तो मजा आ गया। ये भी बढ़िया है और बाहर का व्यू कितना ही प्यार है। टाइम लैप्स रह गया कि हम लोग लकड़ी जमा करने चले गए थे इसलिए, पर देखो कल सुबह ट्राई करते हैं, सुबह भी निकल जाए। अरे हम लोग ने लकड़ी सब जमा करके रखी है, आग जल रही है, बस कुछ टाइम बाद देखो चाय वाय बनाएंगे फिर देखते हैं। बाकी अभी मैगी खा ली उसके बाद बात करते हैं। तो हम लोग की मैगी सब खा के भी हो गई है, अभी हम लोग चाय बनाने वाले हैं। और ये हमने खरीदा है क्योंकि इसमें चाय बनाने का इस पर ही अच्छा मजा है। अरे भाई स्लो कर उसको, पानी तो डाल दे। अरे तो पानी तो डाल। अरे वो तो ले क्या गरम, वो गरम है वो। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस? ये सब इसके भाई मेरे बोलने के चाय पत्ती की। यू आर स्पीचलेस राइट नाउ? या ओके।
दोनों डाल रहे एक ही एक ही नहीं एक में से थोड़ा और डाल दो शायद काफी गोरी मैम मिलेंगी हम आज तक भाई ये सब जाएगा क्लिप में लेंगे ना यूट्यूब में तुम बोल तो बहुत रहे गोरी मैम है ये वो भाई वो हार तो वो दिख रहा है देख ना ठंडी लग रही है इधर हवा निकल गई है इधर तो देख एक बार इधर तो देख अबे देखना अच्छे से अरे बड़ी बहुरानी बहुरानी आ गई चाय बनाना आते है ऐसी उठियाई हम बना रहे हैं तुम लड़की हो आ गई बोलो अरे हस्बैंड सही है भाई चलो अभी चाय वाय पीते हैं फिर देखते हैं लाड़ो बाकी क्या प्लान है तभी आते अभी थोड़ा मोबाइल चार्ज हो जाए वरना फिर कल सुबह के भी वीडियो नहीं बन पाएंगे पहले मोबाइल चार्ज हो जाए तो ये सुबह के बजे हैं 5 और हो रही है हद से ज़्यादा ठंड यहाँ और ये है अतुल भरत क्या पता दिख रहा है कि नहीं यार तो हम लोग बना रहे हैं अभी चाय सुबह सुबह 5 बजे चाय 6:30-7 तक नीचे उतरेंगे और अगर टेंट लगाओगे रात को आके तो प्लीज़ आगे मत लगाना पीछे लगाना जाके पीछे जाके थोड़ा पीछे साइड में हमेशा टेंट लगाना क्योंकि एकदम आगे लगाओगे तो हवा की वजह से हो जाएगा हम लोग का टेंट का भी काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं हाँ ये तो है लेकिन हम लोग टेंट का ऊपर का जो मेन रहता है जॉइंट करने का जो स्टिक्स उसमें से एक टूट गई है हवा की वजह से हवा के प्रेशर की वजह से हो गया बस इतना ध्यान देना अभी हम लोग चाय बनाएंगे पियेंगे 6:30-7 बजे नीचे उतना चार्ज करेंगे क्योंकि बहुत लंबा रूट है इसलिए बाकी बहुत हवा चल रही है और स्वेटर कैरी करना ऑफकोर्स और ब्लैंकेट भी अतुल मजा आ रहा है कि नहीं मजा बहुत ज्यादा है यार और हवा और हवा इतनी नहीं चल रही हद से ज्यादा भाड़ा भाऊ भाई वो हम लोग सुबह में नाश्ते में फिर से मैगी बनाते हुए आग जलाते हुए अपोलोजाइज फिर से तो यहाँ मैगी ऑलमोस्ट बनते हुए और भाई ऊपर लेकिन हम लोग नाश्ता विस्टा अभी मैगी अपना नाश्ता में करके फिर थोड़ा सनराइज होएगा फिर हम लोग फोटो वोटो खींचेंगे क्लिक करिए फिर हम लोग नीचे उतरना चालू कर देंगे आपको सीधा मिलते जब सनराइज हो जाएगा तब मिलते हैं और इनकी तरह शॉर्ट शर्ट्स पहन के नहीं आ जाने का फिर बाद में बोलोगे इतनी ठंडी लग रही है ये थोड़ा सा बहुत जाएगा तो हम लोग ने अपना टेंट सब हटा लिया है अभी थोड़ी देर रुके मतलब और अच्छे से थोड़ा पता नहीं आपको आवाज़ आती है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो अभी हम ये कुछ सुबह का ऐसा भी हुआ है अभी तो 6:15 हो रहे हैं यहाँ पर ये फ्लैग है हम लोग कुछ थोड़े फोटोज वोटोज भी क्लिक करेंगे इसलिए रुके हैं थोड़ा थोड़ी देर सनराइज हो जाएगा एकदम फिर उसके बाद फोटोज वोटोज क्लिक करके निकल जाएंगे आग जल रहा कि नहीं
जा रहे हैं सुबह हो गई, उतरने में 4 to 5 hours लगने वाले हैं जो रूट से हम पाए थे। एक और रूट है बट उसमें आपको 3 किलोमीटर लगे नीचे उतरने में, बट उसके बाद आपको बस वस कुछ नहीं मिलती वहाँ से, तो वहाँ से ना जाए। हम लोग जो रूट से कल आए थे सेम रूट से वही रूट से वापस जाने वाले अभी हम लोग। तो आई होप गाइस आपको ये ब्लॉग मेरे को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जितना हो सके शेयर करो। और हवा बहुत चल रही है आंखों में, बार बार हवा लग रही फिर अभी तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जल्दी कुछ अच्छा लेके आते हैं। बाय, स्टे सेफ।